everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Prati 2, and in today's lecture we're gonna do our part 2 for international relations semester 2 be honest political science chapter 1, which is what is IR and its contested origin. तो हमने पार्ट वन ऑलरेडी कर लिया है. इनफैक्ट इस पार्टिकुलर कोर पेपर के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप लोग यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता यू कैन आस्क मी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, तो इनकेस यू वॉन्टेड टू आस्क एनी थिंग यू एक्चुअली कैन एंड कैन गो थ्रू दोज नोट्स. ऑल्सो आई डू प्रोवाइड क्रैश कोर्स फॉर बी ऑनर्स स्टूडेंट्स, मतलब लाइव क्लासेस होती है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए. तो हम रीडिंग्स के थ्रू पढ़ते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द नोट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं एंड डाउट सेशंस होते हैं. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. अब देखो, फर्स्ट पार्ट में अप टू 6 टॉपिक कर लिए थे, जहां तक मुझे याद है बिग बैंग थ्योरी किया था एंड उससे रिलेटेड जो कंटेस्टेशन है वो किए थे. अब मिथ ऑफ वेस्टफेलिया की बात कर लेते हैं. वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 मानी जाती है. दिस वॉज मेरली जस्ट अ काइंड ऑफ अ प्रेशर जो यूरोसेंट्रिज्म का एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट में थोपा गया है. मतलब 1648 में सोविनिटी वाला आइडिया इन लोगों ने समझा था, बट वो इन्होंने यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया. सो वेस्टफेलिया इज सीन एज अ फाउंडेशन ऑफ इंटर स्टेट रिलेशनशिप व्हेन दे वर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट एंड सोविनिटी. सेकेंड, दी एप्लीकेशन ऑफ वेस्टफेलियन कंटेस्ट इन कंटेस्टेड इज एक्चुअली कंटेस्टेड नहीं होना चाहिए. एप्लीकेशन ऑफ वेस्टफेलियन कंटेस्ट इज नॉट यूनिवर्सल हियर. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. और इस मॉडल को, वेस्टफेलियन मॉडल को हम हर जगह नहीं इम्प्लाई कर सकते. बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट इट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया फिर भी इससे अछूता रहा था. और इन कंट्रीज में 1648 का अगर हम इतिहास देख लें तो दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोवरेनिटी बाय दैट टाइम. तो यानी कि ये एक रीजनल कॉन्सेप्ट ही हो गया. सोवरेनिटी एंड स्टेट सेंट्रिसिटी चैलेंज्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन. देखो मैंने क्या बोला, घरों में हमारे दरवाजे क्यों होते हैं, क्योंकि हम बाहर वालों को अंदर नहीं आने देते हैं. बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, दरवाजे तो हैं, परमिशन मिल गई, अंदर आ गए. एंड हर दिन कोई ना कोई आता रहता है, रोज आता रहता है और फ्लो बना रहता है. हम घर में अपने जो जो भी हो गया, जैसे कि ज्वेलरी हो गई या फिर इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, वो कबर्ड में रखते हैं या फिर लॉकर में रखते हैं. उसकी चाबी चाहे कोई भी हो, हम फिर भी उसे लॉक करके रखते हैं. बट अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, वो चाबी की एक्सेसिबिलिटी आप बाकी लोगों को दे रहे हो. आप समझ रहे हो, इसको नेशन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. नेशन में अब चूंकि हर जगह ग्लोबलाइजेशन की वजह से इट्स नॉट इजी टू गो यूके, यूरोप और एनी वेर यू वॉन्टेड टू गो फॉर योर स्टडीज, जॉब और मे बी फॉर जस्ट फॉरेन ट्रिप. आप जा सकते हो, आप वीजा आपको मिला, आपके पास सफिशियंट फंड है, आप जा सकते हो, है ना. तो ये बड़ा आसान हो गया, लोग सेटल हो रहे हैं बाहर. आई डू हैव मेनी फ्रेंड्स जो मोस्टली यूके में है, तो दे आर प्लानिंग टू सेटल बिकॉज दे थिंक दैट कि मतलब सबका अपना है, जॉब प्रोस्पेक्ट वहां पे ज्यादा है, इंटेलेक्चुअलिटी की वैल्यू वहां पे ज्यादा है एंड सो ऑन. वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्टेट की जो पावर है, सोवरेनिटी का मतलब है जब आपका अपनी टेरिटरी पे कंप्लीट कंट्रोल हो, जो कि अब कम हो रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से. इमर्जेंस एंड नॉन स्टेट एक्टर क्वेश्चन करने लगे हैं, भैया कि अब स्टेट अथॉरिटी क्या रह गई है जब ग्लोबलाइजेशन आ गया है. एमएनसीज को आना होता है, वो आती है, डेटा लेती है, यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर सेट करती है, यहाँ पे लोगों को रोजगार देती है. अच्छी बात है, रोजगार देती है, बट फिर उनको एक आपने जगह दे दी, मे बी आपका डोमेस्टिक कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, डोमेस्टिक कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, उसको जगह चाहिए. तो ऑलरेडी आपने बाहर के लोगों को इतनी जगह दे के रखी है कि जो घर के लोग है और डोमेस्टिक हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, उनको जो डोमेस्टिक कंपनीज हो गई उनको जगह नहीं है. मेनी डायमेंशंस ऑफ आईआरसी, वी कैन नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट, वी नीड टू गो फॉर दी अदर डायमेंशंस एज वेल. फॉर इंस्टेंस, डेमोक्रेसी एंड इंटरडिपेंडेंस लिमिट करती है टोटल सोवरेनिटी को. इतना तो समझ आ गया, आप घर की चाबी अगर सबको देने लगे तो सबको ये आने भी लगेगा, तो दो मत ना. मतलब ये तो हम नहीं बोल सकते बिकॉज समटाइम्स वी रिक्वायर अदर कंट्रीज इंट्रैक्शन एज वेल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डेमोक्रेसी एंड इंटरडिपेंडेंस, अब हम क्योंकि
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कुछ ना कुछ फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया कुछ भी, तो वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग इट इन समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अस, राइट. दूसरा, शेयर्ड सोवरेनिटी सीन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समवेयर. कि अब क्या है कि जितना, जैसे कि अभी आपको पता है कुछ साल पहले ट्रेड वॉर हुई थी चाइना एंड यूएसए के बीच में, तो यूएसए जस्ट सेड इट कि जो भी चाइना से कनेक्शन रखेगा फिर वही वो मुझसे भूल जाए, है ना. अब इस सिचुएशन में क्या है, हम डिपेंडेंट तो चाइना के ऊपर भी है और यूएसए के ऊपर भी है. यूएसए ने ये बोल दिया कि तुम चाइना से करोगे तो बाकी कंट्रीज तो बीच में फंस गए, तो नाउ वी शेयर द सोवरेनिटी. यू नो, अगर कोई मुझे धमकाने की कोशिश करा, आई कैन डू द सेम. नॉन स्टेट एंटिटीज को एग्जिस्ट करती है अब नेशन स्टेट्स में, तो हमारे यहाँ पे MNCs भी हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं, NGOs भी हैं, दे आर हेयर, इंटरनेशनल NGOs भी हैं, एम्बेसीज भी हैं, राइट. सो समवेयर वी आर जस्ट लिविंग ऑल टुगेदर एट अ वन नेशन बाउंड्री. सो ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करता है सोवरेनिटी को, विच इज लाइक नो डाउट. सो वी डोंट हैव द टोटल सोवरेनिटी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंगिंग इन डी कॉलोनियल अकाउंट्स. देखो, इस चैप्टर का पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, जो आप हम लोग कॉलोनियल बात कर रहे हैं, दिस इज मोर अबाउट दैट कि हम समझे IR का ओरिजिन कब और कैसे हुआ था. तो IR में मेनली ये लोग वेस्टफेलिया को क्रेडिट देते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमें डी कॉलोनाइज करना पड़ेगा. 1648 में जब ये लोग सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे और धीरे धीरे उसको बाकी जगह इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त एशिया एंड अफ्रीका की कंट्री जो है कॉलोनाइज्ड थी. तो हमारा पर्सपेक्टिव, उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ चुके थे, लाइक देवर यू नो रिफॉर्मिंग द सिस्टम, देवर ब्रिंगिंग देअर थिंग्स इन टू अदर कंट्रीज, इग्नोरिंग देअर कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड. वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यूरोसेंट्रिज्म इन IR लेट्स एड्रेसिंग पोस्ट कॉलोनियल अकाउंट्स. हमारी बात तो है ही नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं YouTube पे बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आई एम द बेस्ट टीचर, स्टडी शिविर करती इज द बेस्ट टीचर. नाउ द थिंग इज, द स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन बाय मी, इट्स नॉट माय स्टूडेंट्स आर सेइंग इट, मे बी हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स. अगेन द क्वेश्चन इज दैट सब तो नहीं कह रहे ना, एंड अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो इट मीन्स दैट मैं पूरी दुनिया में अच्छा पढ़ाती हूँ, राइट. सो इट्स जस्ट दैट आई एम सेइंग दैट आई एम द बेस्ट, दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से. तो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के भी तो एक्सपीरियंसिस लेना जरूरी है, वो क्या समझती है सोवरेनिटी के बारे में. प्लुरालिटी एंड नैरेटिव सजेस्ट करते हैं कि हमको मल्टीपल पर्सपेक्टिव चाहिए टू कम टू द कंक्लूजन ये सोवरेनिटी वाला एक्चुअली डेट कब का है और कैसे आया. तीसरा, स्कॉलर सीक्स टू डेवलप इंडिजीनियस IR थ्योरी, सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन टू इट. जैसे इंडिया 1947 के बाद आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स ऑफ आर कंट्री, इनफैक्ट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इज वेल, दे एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट कि हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे काम करें, उनको हाईलाइट करें और यूनिवर्स, मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएं. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो तब होगा जब सब कंट्रीज का एक ही एक्सपीरियंस होगा, दे अग्री विद दैट. डी कॉलोनियल अकाउंट्स हाईलाइट द पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस हियर. नाउ अंडरस्टैंडिंग जीनोलॉजी ऑफ IR डिसिप्लिन इन इंडिया. देखो, IR की कहानी इंडिया में अलग है. IR को हमेशा ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके तो देखा ही जाएगा, स्पेशली इन रीसेंट वी कैन जस्ट से 100 and 200 ईयर्स का अगर हम इतिहास लें तो. कॉलोनियलिज्म ने शेप किया IR डिस्कोर्स इन इंडिया. आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे यहाँ के लोग भी मिशेगली पढ़ने लगे, कार्ल मार्क्स पढ़ने लगे, यू नो रूसो पढ़ने लगे, तो हम फॉरेन स्कॉलर्स को पढ़ने लगे रादर देन दिस. तो हमें पता चला कि इन्होंने हमारे बारे में ये लिखा है, मतलब ये अपने कॉन्सेप्ट को बेस्ट बता रहे हैं, एंड हमने जब वहाँ पे बाकी कंट्रीज का पर्सपेक्टिव देखा तो मिला ही नहीं. पोस्ट इंडिपेंडेंस, सॉरी, नेशनलिस्ट मूवमेंट कॉल फॉर इंडिजीनियस थ्योरी. तो मूवमेंट क्रिएट किया गया जो स्कॉलर्स है, इंडियन स्कॉलर्स है और इंडियन एकेडमिया में, लेट्स लुक फॉर इंडिजीनियस थ्योरी, थ्योरीज विच आर नॉट एज पॉपुलर एज अ वेस्टफेलियन बट डज मैटर, राइट. तीसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमने देखा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है IR का. कोल्ड वॉर, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट है, 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हो गया, अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन आई थी. अगर आपको बताऊं 1945 से 1990 तक चली थी, इस फेज के दौरान सारा जब दुनिया दो ब्लॉक में डिवाइड हो रहा था, इंडिया आया अलॉन्ग विथ अदर यू नो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज दैट सी वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन टू योर मेस.
हम लोग अपना क्रिएट करेंगे, मेस नहीं सोल्यूशन. तो हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से जाएंगे. दैट वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप जब डिस्कोर्स चेंज हुआ. तो हम अब इतिहास में और हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में ये नहीं पढ़ते कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा था, दो पावर स्ट्रगल चल रहा. वी ऑलवेज टॉक अबाउट नाम, दैट हाउ नाम चेंज द ट्रेंड ऑफ दैट टाइम. डूइंग समथिंग जो सब कर रहे हैं उस टाइम में कुछ अलग करना, एकदम अगेंस्ट जाना इज क्वाइट रिस्की, बट वो हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो कोल्ड वॉर ने इन्फ्लुएंस किया इंडिया का यूनिक पर्सपेक्टिव. ग्लोबलाइजेशन एरा ने देखा कि किस तरीके से वी वर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट व्हाई वी नीड इंडियन थ्योरी, और जो हमारा इंडिजीनियस हो गया है, हमारे यहाँ की ओरिजिनेटेड थ्योरी है, अगेन IR का डीकोलोनाइजेशन करने में. क्योंकि अंग्रेजों ने हमें रहे तो 200 साल लिए, बट इम्पैक्ट मेंटली इतना कर दिया है दैट बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में तो भूल गए, लेकिन उनका सारा याद है. ठीक है, जैसे कि मैं सीरियसली बोलूंगी, CBSE बोर्ड्स की आप बुक देख लो. मैं कई बार देखती हूँ, मुझे रीजनल बोर्ड्स की बुक्स तो फिर भी अच्छी लगती हैं, बिकॉज मैं उसका रीजन बताती हूँ. CBSE इज मोर लाइक अ स्टैंडर्डाइज पैटर्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उसका सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बट अगेन वी कैन नॉट फॉरगेट द पॉइंट दैट कि उसमें बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है, नेशनल हीरोज व्हेन इट कम्स टू SST दे कुड हैव हाईलाइटेड इट, बट उन्होंने पता नहीं पार्शियल फॉर्म ऑफ करिकुलम लगता है मुझे वो. नाउ मे बी इट कुड बी जस्ट मी, बट दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट. कल्चरल स्पेशल स्पेसिफिकिटी एंड पॉलिसी रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, वी नीड टू जस्ट इलैबोरेट इट मोर. रोल प्लेड सिविलाइजेशन वैल्यू इन इंडिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिविलाइजेशन वैल्यू इनटू IR. अगर IR की शुरुआत देखें इस तरीके से, तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था. आप सोचो कि IR का उससे क्या लेना देना, लेन देन इंटरनेशनल रिलेशन में तो तब भी चलता था. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कनेक्शन था, राइट? तो दे यूज टू हैव अ ट्रेड रिलेशन. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ IR. अनदर वी हैव मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ दे वर यू नो मेंटेनिंग एंटायर थिंग्स, वट काइंड ऑफ अ फॉरिन पॉलिसी दे हैड ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट ऑल्सो फॉल्स इन टू द कैटेगरी ऑफ अ इंटरनेशनल रिलेशन. ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. दिस इज व्हाई वी से जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो उनके क्वेश्चंस दबाने नहीं चाहिए. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं सब समझा रही हूँ, एंड ऑनेस्टली मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ. मे बी कोई एक ऐसा टर्म होगा जो आपके दिमाग में लग रहा होगा, ये तो मैंने समझा ही नहीं, दिस इज अनदर व्यू पॉइंट. अब चूंकि ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, बट आप लाइव क्लास में हो तो तुरंत मुझसे पूछते हैं, मैम व्हाट डू यू मीन बाय दैट पर्टिकुलर सेंटेंस दैट यू सेड अर्लियर, एंड आई हैव टू एक्सप्लेन इट. सो उस वक्त आपकी वो क्वेरी क्लियर होगी. नाउ यहाँ पे मैं आपको एक समड अप आइडिया दे रही हूँ इस चैप्टर का, आप वो समझ रहे हैं, दैट्स इट. कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, दैट इज विथ यू. अगर वो शेयर की होती तो बाकी सबको जानने को मौका मिलता. अरे यार, ये वाला क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है. आई स्टिल रिमेम्बर क्लास ट्वेल्थ में जब एग्जाम देते ना, बोर्ड एग्जाम्स, तो जब मेरे एग्जाम होते थे, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर्स याद करते हैं. मैं क्वेश्चन क्रिएट करती थी हमेशा पैरा से, बिकॉज अगर मुझे क्वेश्चन पता होगा उस पैरा से कौन से क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक पैरा से 3 से 4 तरह के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, देन आंसर सबका एक ही होगा. तो क्वेश्चन ट्रिक करके पूछे जाते हैं, आंसर उन सबका एक ही होता है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग. नो डाउट देयर इज विथ लाइक इंडिया का इन सब में कॉन्ट्रीब्यूशन है. प्रिंसिपल्स लाइक अहिंसा, यू नो, और धर्म, नीति, ये सारे इंडिया के कॉन्सेप्ट है जो आज ग्लोबल गवर्नेंस में मैटर करते हैं. पीस वाला, गांधी जी वाला अहिंसा, ये एक्चुअली जैनिज्म से लिया गया है जो उन्होंने अपने नेशनल मूवमेंट में यूज किया था. दिस इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. वेन एवर इट कम्स टू द पीस, वी इन इंटरनेशनल एरेना एज वेल, दे यूज द वर्ड अहिंसा, राइट? अब बात करते हैं डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशनल एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन की. हमको बात करनी है, रादर देन बीइंग इन यूटोपियन पर्सपेक्टिव, वी नीड टू लुक बियॉन्ड द यूरोसेंट्रिज्म एंड नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. दैट्स इट, एंड आई थिंक दैट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. मेक श्योर यू चेक आउट माई क्रैश कोर्सेस, बिकॉज उसमें मैं और डिटेल में पढ़ाती हूँ. बेसिकली 16-मिनट सीरीज है, तो हमें उसके अंदर ही रैपअप करना है होपफुली, क्योंकि एक बार मैंने शुरू करती फिर मुझे एक्चुअली याद भी नहीं रहती है कि मैंने कब किया, दो आई कैन जस्ट चेक द टाइम, बट स्टिल. सो बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. क्रैश कोर्स से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, नोट्स से रिलेटेड आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.
Hit the like button, share this video with your batchmates, and subscribe to Studyship with Krati 2 for more such kind of video content, because we have to cover all the core papers of semester 2. Bye bye for now.